अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया एक्सप्रेस। नाजरीन, कल देर शाम से ही वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं आज भी कई मकामात पर सुबह से ही रुक रुक कर बारिशें हो रही है। महकमा मौसमियात की ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज दोपहर और शाम के अवकात में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी, लेकिन बारिशों का ये सिलसिला 2 जून तक जारी रहने के साथ साथ इस बीच मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है। वहीं अगर बालाई इलाकों की बात करें तो मुतद जगहों पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। ज़िला किश्तवाड़ के बालाई इलाकों के साथ साथ गुरेज के ऊपरी जगहों पर इस वक्त ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इतलात के मुताबिक कल देर शाम को सिंथन टॉप पर बर्फबारी शुरू हुई है। ताज़ा बर्फबारी के सबब कई गाड़ियां वहां फंस गई थी, जिसके चलते रात देर गए उनको रेस्क्यू किया गया है। ये बताया जाता है कि सिंथन टॉप पर तकरीबन 1.5 फुट के करीब ताज़ा बर्फबारी जमा हुई है, जिसके चलते सड़क को गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन और बानिहाल के करीब मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरे आए हैं, जिसकी वजह से कौमी शाहरा को भी ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया है कि खराब मौसमी सूरत हाल और मुसलसल बारिशों के दरमियान शहरा पर बहाली के काम में दुश्वारियां पेश आ रही है, जिसके चलते शहरा पर ट्रैफिक की बहाली में ताखिर हो सकती है। ताहम मलबा और पत्थर हटाने के बाद भी शहरा को गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन्फो मीडिया एक्सप्रेस।